वैसे तो चंपारण मीट बहुत मशहूर है, लेकिन आज हम अपने वेजिटेरियन फ्रेंड्स के लिए चंपारण हांडी मशरूम बनाएंगे, जो खाने में बिल्कुल चंपारण मीट की तरह लगता है। चलिए आज हम बनाते हैं चंपारण हांडी मशरूम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रीनास 24 किचन। तो यहाँ पे मैंने 2 पैकेट मशरूम लिए हैं और मशरूम को खूब अच्छे से साफ करके 4 टुकड़ों में काट लिया है। इसके बाद 4 बड़े प्याज को स्लाइस करके रख लिया है, साथ में 2 हरी मिर्च और 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। अब मसालों में 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच घर का गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च और 1.5 चम्मच बेसन लिया है। इन सभी मसालों के साथ साथ मैंने यहाँ पे 2 चम्मच मीट मसाला लिया है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि मीट मसाला में कुछ ऐसा नहीं पड़ा होता है जो हमारे वेजिटेरियन फ्रेंड्स ना खा सकें। मीट मसाला कुछ मसालों को मिक्स करके ही बनाया जाता है। अब इसके बाद ड्राई मसालों में मैंने 1 छोटे स्टिक दालचीनी ली है, 1 बड़ी इलायची ली है, 3 से 4 छोटी इलायची, 6 से 7 काली मिर्च, 3 से 4 तेज पत्ता, 2 साबित लाल मिर्च। इन सभी मसालों को एक प्लेट में निकाल करके अलग रख लिया है। अब यहाँ पे मैंने 1 हांडी को धो करके अच्छे से साफ कर लिया है और उसमें 1/2 कप के करीब सरसों का तेल डाल दिया है। सरसों के तेल में जो सब्जी बनती है उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। मैं ज़्यादातर रेसिपीज़ में सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि दोस्तों ये बहुत हेल्दी होता है। सरसों का तेल डालने के बाद कटे हुए इसमें प्याज डालेंगे और सारे साबित मसालों को डालेंगे और अब एक एक करके सारे पिसे मसाले को हम इसमें डाल देंगे। दोस्तों आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताइएगा, और अगर आपकी कोई स्पेशल रेसिपी रिक्वेस्ट है तो वो भी बता दीजिएगा। इन मसालों के साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालेंगे और 2 हरी मिर्च डालेंगे और अब मशरूम को डाल करके सब मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए जैसे मैंने मिक्स किया है कुछ इस तरह से। अब इसमें 1 ग्लास पानी डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और सबसे लास्ट में 1 पूरा लहसुन बीच में रख देंगे। अब हांडी को आटे से कवर करके उसे ढक्कन से ढक देंगे और उसे 1 घंटे के लिए गैस पे चढ़ा देंगे। दोस्तों शुरू में तो गैस को तेज ही रखेंगे, उसके बाद 10 मिनट जब हो जाएगा तो हम एकदम गैस को धीमे कर देंगे। दोस्तों यकीन मानिए धीमी धीमी आंच पर हांडी के अंदर जो सब्जी बनकर तैयार होगी उसका टेस्ट इतना अच्छा होगा जो हमारे रोज के कढ़ाई और कुकर में बनाई हुई सब्जी में नहीं आ सकता है। दोस्तों यहाँ पे एक ज़रूरी टिप दूंगी मैं आपको, जब हम हांडी में कोई चीज़ बनाते हैं तो कभी कभी हीट की वजह से हांडी चिटक जाती है, तो यहाँ पे मैंने जब आटे की कवरिंग करी है तो उसमें हल्का सा गैप कर दिया है ताकि सब्जी में जब स्टीम बने तो उधर से वो निकल जाए। इससे कभी कभी हांडी जो चिटक जाती है वो नहीं चिटकेगी। तो ये देखिए सब्जी को पकते हुए 1 घंटा हो गया है तो हमारी चंपारण हांडी मशरूम बनकर तैयार है। यकीन मानिए दोस्तों ये किसी भी चंपारण मीट से आपको कम नहीं लगेगी, आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। ये रेसिपी आपको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।